नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। वज्रपात से जान गंवाने वाले के परिवार के प्रति मुख्यमंत्री ने व्यक्त की संवेदना। अब इस नए फॉर्मूले पर होगी शिक्षक की बहाली। रिजल्ट देने में अनियमितता करने वाले कॉलेज रडार में लगा 15 लाख का जुर्माना। आज होगा भारत बनाम वेस्ट इंडीज T20 सीरीज का पहला मुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना है। शिक्षा विभाग ने हाई स्कूल में 32,714 शिक्षक नियुक्ति के लिए वैसे नियोजन इकाइयों के लिए नया शेड्यूल जारी किया है, जिनमें मेधा सूची तैयार नहीं हो पाई थी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने जिलों को पत्र भेजकर कहा है कि निर्धारित तिथि तक काउंसलिंग कार्य पूरा कर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दें। इन नियोजन इकाइयों में 20 से 23 अगस्त तक मेधा सूची में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 26 अगस्त को दिया जाएगा। इस दिन होगी नेपाली नगर संबंधित मामले की अगली सुनवाई। पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के नेपाली नगर में जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई जारी है। वहीं बीते दिन 28 जुलाई को इस मामले पर जस्टिस संदीप कुमार के कोर्ट ने सुनवाई होनी थी, लेकिन एडवोकेट जनरल के चीफ जस्टिस के कोर्ट में व्यस्त रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। वहीं अब इस संबंधित मामले पर सुनवाई 2 अगस्त 2024 को की जाएगी। साथ ही आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोर्ट ने हाउसिंग बोर्ड के वकील को कहा कि जो भी बात कहनी है उसे रिट याचिका दायर कर कहा जाए, ताकि कोर्ट उचित निर्देश दे सके। वह बोर्ड के MD से इस संबंध में बात करें और उस इलाके में एक कंट्रोल रूम स्थापित करने को कहें। 15 जिलों की लेडी सिंघम ने पीने वालों के खिलाफ संभाली कमान। साल 2016 से बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, बावजूद इसके लोग इसका सेवन कर रहे हैं, साथ ही इससे जुड़े अवैध धंधे में संलिप्त हैं। हालांकि इसको लेकर बिहार सरकार ठोस कदम उठा रही है कि ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जा सके। इसी कड़ी में उत्पाद विभाग की महिला शक्ति भी इस पर जोर शोर से काम कर रही है। मतलब ये कि 15 जिलों की महिला पुलिस पदाधिकारियों ने 30 गाड़ियों के काफिले के साथ कई जगहों पर छापेमारी की। इस स्पेशल मिशन में रेड के दौरान शराब तस्करों और पीने वालों में हड़कंप मच गया। जिले के 30 स्थानों से शराब पीने और रखने के आरोप में 62 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि 20 घंटे के इस अभियान में ड्रोन कैमरा ऊपर से शराबियों की तस्वीर सामने लाता था और उसके बाद उत्पाद विभाग उन पर कार्रवाई करता था। आज भी इन जिलों में हो सकती है छिटपुट बारिश। बिहार में मॉनसून फिलहाल सक्रिय है। बीते दिन गुरुवार की बात की जाए तो प्रदेश के पश्चिमी चंपारण के गौनाहा में सबसे अधिक वर्षा हुई, जो 131.6 मिलीमीटर दर्ज की गई। गुरुवार को उत्तर बिहार के अलग अलग जिलों में अच्छी वर्षा दर्ज की गई। पटना में सुबह से दिन भर लोगों को धूप ने परेशान किया, लेकिन शाम होते ही मौसम बदल गया। तेज हवा के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। गुरुवार को प्रदेश के मौसम की बात करें तो 38.7 डिग्री सेल्सियस के साथ बिहार का शेखपुरा सबसे अधिक गर्म रहा। हालांकि आज सुबह से राजधानी पटना सहित कई इलाकों में बादल घिरे रहे। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान से कुछ हद तक आज भी देर शाम तक बारिश की संभावना है। वज्रपात से जान गंवाने वाले के परिवार के प्रति मुख्यमंत्री ने व्यक्त की संवेदना। प्रदेश में इस साल मॉनसून ने बारिश के लिए बिहारवासियों को भले ही खूब तरसाया हो, किसानों के धान की फसल बर्बाद हो रही है, लेकिन जब भी बारिश हो रही है वज्रपात की वजह से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इस दौरान बीते दिन देर शाम हुई आफत की बारिश और वज्रपात ने कई लोगों की जान ले ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस घटना से मर्माहत हैं और उन्होंने प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा कि राज्य के 6 जिलों में वज्रपात से 11 लोगों की मृत्यु दुखद है। आपदा की इस घड़ी में वो प्रभावित परिवारों के साथ हैं। मुख्यमंत्री ने सभी मृतक के परिजनों को तत्काल 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने की निर्देश दिया है। अब इस फॉर्मूले पर होगी शिक्षक की बहाली। शिक्षक बहाली प्रक्रिया में बिहार सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिसके बाद शिक्षकों को बहाली में बड़ा फायदा होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कक्षा 1 से 12 तक लगभग 2.25 लाख शिक्षक की बहाली की तैयारी में है। उससे पहले इसकी नियमावली में बदलाव होने जा रही है। आपको बता दें कि नए नियमावली के अनुसार BTET, CTET और STET के रिजल्ट पर 60% और शैक्षणिक और प्रशिक्षण योग्यता मैट्रिक से स्नातकोत्तर DLED और BEd तक 40% वेटेज मिलेगा। शिक्षक नियुक्ति के लिए नई नियमावली 2022 लगभग तैयार है। इस पर सिर्फ कैबिनेट की मुहर लगनी बाकी है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने पटना जू में आए नए मेहमानों का किया नामकरण।
राजधानी पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान में नए मेहमानों का आगमन हुआ है। आपको बता दें कि संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में रॉयल बंगाल बाघिन सरिता ने 4 शावकों को जन्म दिया है, जिसमें 3 नर और 1 मादा शावक शामिल है। वहीं आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन शावकों को उनका नाम दिया है। आपको बता दें कि वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने शावकों के नामों की घोषणा की है। इन रॉयल बंगाल बाघिन सरिता के 4 शावकों का नाम केसरी, मगध, विक्रम और रानी रखा गया है। इसमें मादा शावक का नाम रानी रखा गया है। 5 जिलों के 10 ठिकानों पर एनआईए की चली रेड। पटना के फुलवाड़ी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामले को लेकर एनआईए की टीम लगातार छानबीन कर रही है। इसी मामले में नामजद आरोपितों एवं संदिग्धों की तलाश में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बिहार में एक साथ 5 जिलों पटना, दरभंगा, नालंदा, पूर्वी चंपारण और मधुबनी जिलों में सघन जांच की। एनआईए ने बताया कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के मामले में आरोपी पीएफआई से जुड़े इन संदिग्धों की संलिप्तता की जाँच को लेकर 10 परिसरों की तलाशी ली गई। जांच एजेंसी ने बताया कि सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर बाद तक चली इस कार्रवाई के दौरान इन परिसरों में डिजिटल उपकरण सहित कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। रिजल्ट देने में अनियमितता करने वाले कॉलेज रडार में लगा 15 लाख का जुर्माना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अंतर्गत आने वाले उन कॉलेजों को पटना हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है जो समय पर रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर रहे हैं या परीक्षा का आयोजन नहीं करवा रहे हैं। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने नवादा जिले के आदर्श हायर सेकेंडरी की छात्रा सरस्वती कुमारी और बेगूसराय जिले के BKSKS इंदर कॉलेज की छात्रा गौरीशंकर शर्मा दोनों छात्राओं के परीक्षा देने के बाद भी प्रमाण पत्र नहीं मिला, जिसके कारण न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा के एक पीठ ने बिहार बोर्ड के ऊपर एक केस में 10 लाख जबकि दूसरे केस में 5 लाख जुर्माना लगाया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक छात्रा जिसने 2012 में इंटर साइंस सब्जेक्ट से परीक्षा दिया था उसके रिजल्ट 2020 में आया और दूसरी छात्रा जिसने फर्स्ट डिवीजन से 10वीं पास किया उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों रोक दिया गया है। भोला यादव के बाद अब इस विधायक को रडार में लेने की सुशील मोदी कर रहे हैं मांग। IRCTC घोटाले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले भोला यादव को CBI ने अपने शिकंजे में लिया, जिसके बाद इस मामले में जुड़े सभी आरोपियों को धीरे धीरे CBI अपने रडार में ले रही है, जिसमें रेलवे कर्मी हृदयानंद चौधरी भी शामिल हैं। भोला यादव की गिरफ्तारी के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी खुलासे कर रहे हैं, जहां उन्होंने राजद के पूर्व विधायक का जिक्र किया है। सुशील मोदी ने मांग की है कि जिस तरह से हृदयानंद द्वारा मिली उस जमीन को हेमा ने अपनी माँ राबड़ी देवी के साथ मिलकर राजद से सुरसंड के पूर्व विधायक अबू दुजाना को 3.5 करोड़ में बेच दी, उसके बाद अबू दुजाना की भूमिका भी संदिग्ध है। ऐसे में CBI को उनसे पूछताछ करनी चाहिए, जिसमें इस पूरे घोटाले का सच सामने आ जाएगा। सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी देने के मामले में भाजपा जदयू की टक्कर। किशनगंज जिले के कुछ उर्दू माध्यमिक स्कूलों में साप्ताहिक छुट्टी को रविवार से बदलकर शुक्रवार करने का मामला तूल पकड़ रहा है। यह मुद्दा राजनीतिक गलियारों में भी हलचल पैदा कर दिया है। एक तरफ भाजपा के नेता उर्दू स्कूलों में शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी दिए जाने को गलत बता रहे हैं, वहीं जदयू की तरफ से मोर्चा संभाल रहे उपेंद्र कुशवाहा उर्दू स्कूलों में सालों से शुक्रवार को चली आ रही छुट्टी का खुला समर्थन कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि संस्कृत कॉलेज में हर महीने प्रतिपदा और अष्टमी को छुट्टी क्यों होती है। भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि जिस संस्कृत विश्वविद्यालय की उन्होंने बात की है उसके विश्वविद्यालय के नियमों से चलता है, उसमें सरकार का हल नहीं होता है। स्मृति ईरानी पर राजद नेता ने कसा तंज। संसद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच हुई नोकझोंक पर बिहार में भी सियासत तेज हो गई है। स्मृति ईरानी को राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने टीवी सीरियलों की अच्छी कलाकार बताया और सोनिया गांधी के साथ उनके विवाद का संदर्भ देते हुए शिवानंद ने कहा कि आज का रूप देख कर लगा कि सीरियलों में उनकी प्रतिष्ठा ऐसे ही नहीं थी। लोकसभा में सोनिया गांधी इस्तीफा दो का नारा लगाते हुए गजब के तेवर में थी। उनके नारे ने भाजपा सांसदों में जोश भर दिया, मगर स्मृति के चेहरे पर जो गुस्सा दिख रहा था वह क्या सचमुच अधीर रंजन द्वारा राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल गलत शब्द को लेकर था या कुछ और बात थी। शिवानंद तिवारी ने यह भी कहा कि 2 दिन पहले कांग्रेस ने स्मृति की बेटी पर अवैध ढंग से बाढ़ चलाने का आरोप लगाया था, जिससे वह बिलबिलाई हुई है। आज फिर देशभर में कोरोना के मामले 20,000 के पार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी शुक्रवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में COVID-19 के 20,409 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत की रिकवरी रेट 98.48% है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 32 है। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में मामूली बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद राज्यभर में कुल 293 कोरोना के नए मामले सामने आए।
हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 66 नए मामले दर्ज किए गए हैं। आज होगा भारत बनाम वेस्टइंडीज T20 सीरीज का पहला मुकाबला। भारतीय टीम वेस्टइंडीज दौरे पर है। वनडे सीरीज क्लीन स्वीप करने के बाद अब टीम इंडिया तैयार है T20 चैलेंज के लिए, जिसका आगाज शुक्रवार 29 जुलाई से ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी त्रिनिदाद में हो रहा है। T20 सीरीज में कप्तान रोहित शर्मा के अलावा विकेटकीपर ऋषभ पंत और स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की वापसी हुई है। ये सब वनडे सीरीज में स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे। दोनों ही टीम जीत के साथ सीरीज की शुरुआत करना चाहेंगे। क्वींस पार्क ओवल की पिच की तुलना में यह पिच थोड़ा स्लो है और बल्लेबाजों को शॉट खेलने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। मैच आज रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले T20 मैच का सीधा प्रसारण DDS स्पोर्ट्स पर किया जाएगा। फोन पर आप मैच को सोनी लिव ऐप पर देख सकेंगे। इन जिलों में आज फिर से महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। सरकारी तेल कंपनियों ने आज प्रदेश के अलग अलग जिलों में पेट्रोल डीजल की नई दरें लागू कर दी हैं। नई दरें लागू होने के बाद राजधानी पटना में पेट्रोल 19 पैसे और डीजल 18 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। पटना में आज पेट्रोल 107.76 रुपये और डीजल 94.52 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मैकाल मुर्मू, सलीम भाई, कमल चौधरी, उमेश ऋषिदेव, संजीत कुमार सुमन, भान प्रकाश मौर्य, राकेश कुमार, नीतीश कुमार, दीपक सिंह और राजकुमार प्रसाद। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि पिछले 15 वर्षों में बिहार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार देखने को मिला है या नहीं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।